हमारी कंपनी गोपाली आर्ट्स ने 2007 में अपना पहला स्टोर खोला। विद टाइम रिटेल मार्केट बहुत स्लो होता जा रहा था, क्योंकि शायद कुछ मार्केट ही ऐसा ग्रो हो रहा था इंडिया में। हाय, दिस इज अनुराग एंड आई एम फ्रॉम जयपुर, और मैं यहाँ हैंडमेड टेक्सटाइल्स का बिजनेस करता हूँ। एज यू नो, जयपुर में कितने बाहर के बायर्स आते हैं, और बहुत से बायर्स ने हमारी बेडशीट्स को बहुत पसंद किया, और उन्होंने मुझे बताया कि इन प्रोडक्ट्स की बाहर के मार्केट में कितनी डिमांड है। ये सुनकर मुझे अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेचने का थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया। बिजनेस बढ़ा भी, बट नॉट टू दैट लेवल विच यू वॉन्टेड। तब रियलाइज हुआ कि वो वेंडर भी ये सामान किसी को बेच ही रहा होगा। एक्सपोर्ट के अलावा ऑनलाइन सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में बहुत पिक हो रहा था। इन 2013 फाइनली वी टुक आवर बिजनेस ऑनलाइन। इनिशियली सिर्फ दो तीन डिजाइन ही बनाई, वो फर्स्ट मंथ में ऑनलाइन सेलिंग स्लो ही था। एज यू नो, ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती। बिजनेस ग्रो करने की रिसर्च तो मैं करता ही रहता था। दैट्स वेयर आई रेड अबाउट पेपाल, कि लोगों को इस पर इतना भरोसा क्यों है। तो मैंने भी अपने बिजनेस को पेपाल से जोड़ा, एंड इट रियली हेल्प्ड। जो कस्टमर्स बाहर बैठे हैं उन्हें तो गारंटी नहीं होती कि पेमेंट करने से सही प्रोडक्ट मिले, पर क्योंकि पेपाल उन्हें बायर प्रोटेक्शन, रिफंडेड रिटर्न्स जैसी फैसिलिटी देता है, उन्हें पता है कि पेपाल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एज ए सेलर मुझे सेलर प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से मेरा नुकसान नहीं होता। फिर हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। दो तीन डिज़ाइन से हम 200 से 250 डिज़ाइंस बनाने लग गए, और आज की बात करो तो हम 1200 से ज़्यादा डिज़ाइंस की बेडशीट्स बनाते हैं। आर कंपनी गोपाली आर्ट्स रिसीव द प्रेजिडेंट्स अवार्ड इन मे 2016 फॉर द बेस्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्टर इन इंडिया, थैंक्स टू पेपाल, जिसकी वजह से कुछ नया और कुछ बड़ा करने का मौका मिला। We took our business overseas to open it for the world. We took care of the quality and PayPal took care of the rest.